बताते हैं कि गुंडों की पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के बारे में? ऐसा कि गुंडों की पार्टी तो उस सपा बसपा में तो मैंने चुनाव देखा है, मारपीट देखा है। इन लोगों के सरकार में तो बहनों की साड़ियाँ उतार दी जा रही है, चुनाव में नंगे कर दी जा रही। तो अब ये गुंडा कौन है? ये गुंडा कि हम गुंडे हैं वो तो सामने दिख रहा है ना कि कौन गुंडा है। ये जो आज दूध लेके खड़े हैं ना, दूध गिराते थे खिलाने, जानवरों को खिलाने के बाद पैसा नहीं था इन लोग के पास, अपने नहीं खा पाते थे, जानवर कहाँ से खिला पाए। इनकी बात कीजिए, अपनी बात छोड़िए। बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं? योगी जी आएंगे, और कौन आएगा? योगी जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया? योगी जी ने 5 साल में अभूतपूर्व बदलाव किया है। सबसे पहला आप देख लीजिए, हाईवेज एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है लगभग 25%। तो कह रहे हैं कि ये सब हम करके गए। अखिलेश जी बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पास किए थे, जिसमें भी लगभग उन्होंने बताया अभी कुछ कार्यक्रम में कि घोटाला भी किए थे उन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपये का, समझ रहे हैं? 1500 करोड़ घोटाला था वो पूरा। वो घोटाला तो उसके बारे में भी कहा गया, वहाँ जो गोमती बना है उसके बारे में भी लखनऊ में, लेकिन अब तक सरकार उनको कुछ नहीं कर पाई। नहीं, जांच चल रही है यहाँ पे। कितने साल जांच चलेगी? जांच चल रही है उसकी। 5 साल खत्म हो गया, तो ये तो झूठ मूठ का बदनाम करना। कोर्ट में केस चल रहा है, अपने आप खुली हो जाएगा वो अपने अंडर। कोर्ट में केस होना, जांच होना, दोनों दो चीजें पहले क्या विधायक के अंदर? कोर्ट में केस चलना और जांच होना दोनों दो चीजें हैं। जांच हो, जांच के साथ केस। आपकी सरकार है, योगी जी की सरकार है, 5 साल में अगर वो जांच नहीं कर पाए तो खुद नाकाम है। पहले देखिए, पहले आप इसमारेंगे हमारी सरकार नहीं, पूरे प्रदेश की सरकार होगी। जी जी, जो जी। जो भी हो। हाँ, नहीं मेरा कोई व्यक्तिगत उसमें वाला नहीं। कोई सरकार 5 साल में कोई जांच नहीं करवा पाती है तो वो नाकाम सरकार है। किस सरकार की बात करें, जो वर्तमान में सरकार चल रही है, दिल्ली की सरकार की बात कर रहे हैं? वर्तमान में जो सरकार चल रही है आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश की सरकार जो हमारे योगी जी हैं, विगत 4.5 सालों में वाराणसी में कम से कम वो 100 बार आ चुके होंगे। सारी योजनाएं प्रधानमंत्री की योजना, एक भी ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का नहीं है बनारस शहर में। जी जी, जिसको ये कहा जाए कि ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक भी ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। केवल वो रात को आते हैं, बनारस में घूमते और चले जाते हैं। बनारस में विकास के बारे में एक आउटर रिंग रोड समाजवादी सरकार में बनी, इनका एक विकास है। ये 14 किलोमीटर का इन्होंने एयरपोर्ट बनवाया है, सारा फोकस इनका मंदिर विश्वनाथ कॉरिडोर। अभी लेटेस्ट में गंगा के उस पार आप जाइए, उन्होंने 4.5 किलोमीटर की छोटी गंगा बनाने का प्रयास किया, बाढ़ में वो बह गया। 10 करोड़ रुपया वो किसके खाते से गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़, मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम वाराणसी के पांडेपुर में हैं। पांडेपुर का ये जय अम्बे बिंदु चाय की दुकान है और यहाँ हम जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो चलिए पांडेपुर की जनता से जानते हैं उनके मन की बात, उनसे जानते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। CM योगी ने पिछले 5 सालों में किस तरह का काम किया है और ये अगला मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर के? देखिए, आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय कोरोना काल या जो बेरोजगारी फैली हुई है, सरकार की नीतियां जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं कहीं ना कहीं। तो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है देश के अंदर, और इसी समय पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस हिसाब से सुविधाएं सभी लोगों को मिलनी चाहिए। और प्रदेश में चुनाव का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ अग्रसर होता चला जा रहा है। ठीक है, CM योगी ने कैसा काम किया है? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की ओर अग्रसर होते जा रहा है, तो CM योगी ने 5 साल में कैसा काम किया? आप उनके काम काज से संतुष्ट नहीं हैं?
नहीं, काम काज से संतुष्ट होना या असंतुष्ट होना, देखिए जिस हिसाब से हम लोगों को कोरोना का महाल आया, बेरोजगारी आई है, इस पर हम लोग को विशेष चीज़ सुविधा चाह रही है, इस सुविधा मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बेरोजगारी से आदमी परेशान है मौके स्थिति पे, इस चीज़ का निदान होना चाहिए। ये जो पीएम ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, सीएम योगी भी लगातार रोजगार को लेकर के बोल रहे हैं कि हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, तो ये सब जो दावे हैं मतलब सही नहीं है। देखिए आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप भी जान रहे हैं कितने दावे सही हैं कितने दावे नहीं सही हैं। अगर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होता तो वो कहीं ना कहीं सामने फ्रंट पर दिखता, वाजिब सी बात है, फ्रंट पे दिखना भी तो चाहिए। 2 करोड़ रोजगार के अगर वो दावे कर रहे हैं तो फ्रंट पे दिखे। तो आपकी अगर बात की जाए तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? आप पढ़े लिखे हैं और तो जानकार हैं, तो आप बताइए कि आप किसकी सरकार चाहते हैं। देखिए इस समय अभी चुनाव का जो माहौल आएगा उस हिसाब से हम लोग निर्णय करेंगे, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं यूपी की जनता माननीय अखिलेश यादव की तरफ अग्रसर हो रही है। ये बताइए कि यूपी की राजनीति में ओवैसी जी की एंट्री हुई है, तो क्या ओवैसी जी मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए इस ओवैसी जी के बारे में हमको जानकारी बहुत विशेष नहीं है, ना हम बारे में बतला पाएंगे। अगर कोई मुस्लिम जो खास करके मतलब उन्होंने बिहार में और दूसरे जगहों में जो है कहीं ना कहीं एक कुछ मतलब वोट काटने की भूमिका निभाई, या हम उसको दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि उन्होंने जो M/Y फैक्टर था उसको गड़बड़ाया, तो लगता है कि मतलब यहाँ भी गड़बड़ा पाएंगे। देखिए ये कितने वोट गड़बड़ा पाएंगे क्या कर पाएंगे ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बतला पाएगा कि क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। अब क्या उनका मुस्लिम वोटों पर प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, या हिंदू वोटों पर प्रभाव पड़े या ना पड़े, क्योंकि भाई चुनाव की राजनीतिक पार्टियाँ किसी जातिवाद की राजनीति, अब यूपी में जब से मोदी जी आए तब तक जातिवाद की राजनीति हम समझते हैं खत्म हो गई है, विकास की राजनीति पे बात चलती है। जब से पीएम मोदी ने इतना काम किया है कि मतलब आपको लग रहा है कि मतलब उनको पीएम मोदी जी के आने से जातिवाद की राजनीति यूपी से खत्म हो चुकी है, जो जातिवाद की राजनीति से जाना जाता था, अब विकास की राजनीति की बात यहाँ पे होती है, विकास की राजनीति, इसी पे वोटिंग हुई विकास की राजनीति पे। ठीक है, हम और कुछ लोगों से बहुत बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहा है। आप बताइए कुछ सोचते हैं क्या चीज़ चुनाव को लेकर के? चुनाव आगामी जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि हमें रोजगार चाहिए और सर्व समाज के लिए हर चीज़ का सुविधा चाहिए, और जैसा हम लोग उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद किए थे वैसा खड़े उतर गई। कोई ऐसा सिस्टम वैसा कोई काम नहीं हुआ बनारस में जो हमको उपलब्ध हुआ। बनारस की सड़कें देख लिए, बनारस की दुकानें देख लिए, खाली सिर्फ हवा हवाई है। प्रधानमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री आते हैं चले जाते हैं, कुछ पता नहीं था। जितना उन्होंने 2014 से लेकर अब तक जितना मतलब विकास के लिए पैसा बनारस के दिया, उसका अगर आधा पैसा अगर बनारस में लग गया होता तो बनारस शायद क्योटो बन गया होता, लेकिन हमें लगा नहीं कि इतना पैसा लगने के बाद भी क्योटो, अगर उसका आधा पैसा अगर किसी रोजगार या किसी अगर बिजनेस में लगाया होता तो कम से कम 1-2 लाख जनता को रोजगार मिला होता। लेकिन हम लोग क्या करें भाई, हम लोग जो है तो बतेबा करेंगे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मतलब पैसे बहुत आए, तो पैसे में भ्रष्टाचार हो गए? अब वो तो सरकार बताएगी ना कि पैसे कहाँ गई। अगर पैसा अगर सही जगह लगा होता तो दिखाई देता कि पैसे सही जगह लगा, अब तो नहीं दिख रहा है तो भ्रष्टाचारी में गया होगा। ये कहते हैं खुद को कि बहुत हम ईमानदार हैं, ईमानदारी के प्रतीक खुद को कहते हैं चौकीदार, जैसे कहा कि देश के हम चौकीदार हैं। अरे वो तो कभी चौकीदार कहेंगे, कभी अपने आप को कहेंगे हम फकीर हैं, कभी चाय बेचने वाले हैं, तो हम क्या माने? तो चाय बेचने वाले तो हम खुद हैं, तो हम तो घूम के किसी से बताते नहीं कि हम चाय बेचने वाले हैं। मतलब प्रधानमंत्री की दौड़ में अभी अगले बार आप भी शामिल होंगे? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि अगला चुनाव अगर जो देश और प्रदेश के हित के लिए काम करेगा हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे, और हमें तो इससे बढ़िया लगा जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की बसपा की, इन लोगों से बढ़िया काम की है, इनका तो काम हमें कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये तो कहते हैं कि गुंडों की पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के बारे में, ऐसा कि गुंडों की पार्टी, तो उस सपा बसपा में तो मैंने चुनाव देखा है, मारपीट देखा है, इन लोगों के सरकार में तो बहनों की साड़ियाँ उतार दी जा रही है चुनाव में, नंगे कर दी जा रही, तो अब ये गुंडा कौन है? ये गुंडा कि हम गुंडे हैं, वो तो सामने दिख रहा है ना कि कौन गुंडा है। अच्छा अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी हमारे काम काज को
हमारे कामकाज को फीता काटने का काम किया सिर्फ। फीता काट रहा है, कौन फीता नहीं काट रहा वो पूरा यूपी की जनता जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो जनता खुद पढ़ी लिखी है, समझदार है, हमें बार बार किसी के बारे में बताने, क्योंकि जनता पहले से अब पढ़ी लिखी और समझदार हो चुकी है। फीता कहाँ कट रही है, कहाँ नहीं कट रही है, किसकी कट रही है और किसका कट रहा है, जनता सब जानती है। वो आने वाले आगामी चुनाव 2022 के चुनाव में जनता खुद बताएगी कि फीता कहाँ काटा जाता है। अगली सरकार किसकी सरकार? अगली सरकार हमें तो इनसे बढ़िया हमें समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए। ये बताइए कि ओवैसी जी आए हैं यूपी की राजनीति में, ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बसपा भी मुस्लिमों को वोट के आधार ही है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, वो सिर्फ वोट बैलेंस काटने के लिए उन्हें यहाँ भेजा जा रहा है यूपी के चुनाव के लिए। वो एक तरह से मानेंगे तो भाजपा के एजेंट है, भाजपा के एजेंट है। आप बताइए क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के? हम लोग तो ये सोचते हैं कि अखिलेश सरकार आवे। अखिलेश सरकार जी, अखिलेश सरकार क्यों चाहते हैं? अरे उससे तो बहुत लोग, हम लोग को राहत है, हम लोग गाड़ी घोड़ा वाले हैं, धंधा वाले, हम लोग को इतना ये परेशान कर दिए हैं कि जब जहाँ चलते चलते चलान कट जा रहा है। लेकिन ये तो कहते हैं कि मतलब हम यूपी से गुंडा राज खत्म किए हैं, इनका प्रमुख मुद्दा है ये। कोई गुंडा राज खत्म नहीं है, कहाँ गुंडा नहीं है बताइए, गुंडा राज नहीं है, बहुत गुंडा राज है। सबसे बढ़िया अखिलेश सरकार हम लोग के लिए, सबसे बढ़िया अखिलेश सरकार है। योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया, संतुष्ट नहीं उनके काम से? नहीं, हम लोग नहीं संतुष्ट है, धंधा वाले तो एकदम नहीं संतुष्ट है। जी हाँ, तो इस बार मतलब सरकार बदल देंगे? अब तो हम लोग की विचार तो यही है बदलने की विचार। जी जी, ये बताइए कि ओवैसी जी आए हैं यूपी की राजनीति, कोई मतलब नहीं है उनसे, कोई मतलब उनके साथ तो मुसलमान भी नहीं है, उनके साथ मुसलमान भी नहीं है, मुसलमान नहीं उनके साथ? नहीं, वो केवल अपना हवा बना रहे हैं। उनके कोई मुसलमान से पूछिए कि उनके साथ है कोई। तो इस तरह से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि पिछले 5 सालों में योगी जी और मोदी जी ने कुछ नहीं किया, सपने दिखाने का काम। कहाँ से हैं आप? पांडेपुर से हैं। तो अभी चुनाव होगा 2-3 महीने 4 महीने के बाद, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। हम तो कुछ 73 साल की उम्र में भूखे मर रहे हैं, हमारी जन बुढ़िया को दवा नहीं मिल रहा है और हमारा कोई व्यवसाय नहीं है। वृद्धा पेंशन भी अभी 6 महीना से नहीं आया है। अब लोग दौड़ दौड़ जाते हैं, जो हम खुद बेसहारा लाचार हैं। और हम सोचते हैं कि एक बार मुलायम पार्टी या अखिलेश पार्टी कोई भी आए। और योगी जी ने 5 साल में अच्छा काम नहीं किया? कोई अच्छा काम नहीं किया, जो हम खुद मर रहे हैं तो हमको शौचालय नहीं है, हमारे घर स्वयं आम के देख रहे चुनावीर बाबा मंदिर के पास में 7 बरस नहीं जा रहे हैं आके इंक्वायरी कर लें कि हमारे पास क्या है, हम भूखे मर रहे हैं। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने चूल्हा गैस चूल्हा दिया, हमको कुछ नहीं, शौचालय दिया और अनाज भी दे रहे हैं। हमको कुछ नहीं मिला, अनाज मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, इधर फ्री में अनाज मिल रहा, तो फ्री में अनाज मिल रहा है, लेकिन वो अनाज खाने चावल चाहिए, दाल सब्जी चाहिए, अब सब कहाँ से आएगा, बेरोजगार है। हमारी और हमारी पतो जो पढ़ा रहे हैं बीती तक उसको नौकरी नहीं मिली, 3 साल बीती। ये कह रहे हैं कि यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिए। हाँ, यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अभी वोट किसको, अभी किसको सरकार चुनना चाहते हैं? इस बार अखिलेश को चुनना चाहते हैं। अखिलेश को क्यों, जब अच्छा काम किए हैं तो अखिलेश जी को क्यों? क्या अच्छा काम, हमको अच्छा काम नहीं बोले, अच्छा काम किए हैं। अच्छा। हम तो खुद मर रहे हैं, हमारे पतों को नौकरी नहीं मिला, बीजी कर किया 3 साल पढ़ाए हैं, मजदूरी धकूरी करके ठेला चला के। ओवैसी जी को जानते हैं? ओवैसी जी को जानते हैं? ओवैसी जी हम तो नहीं जानते, नहीं जानते।